परम पूज्य सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में अमृत ज्ञान वर्षा दिनांक 28 मार्च 2019 साय 5 से 7:30 बजे तक गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स ग्राउंड दुर्गा माता मंदिर के सामने जिगराऊ पुल लुधियाना में हुई। इस मौके दूर दूर से संगते पहुंची जिन्होंने सुधांशु जी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। आयोजक विश्व जागृति मिशन लुधियाना मंडल, हमारी पंजाब प्लस की टीम ने अमृत ज्ञान वर्षा का विशेष दौरा किया। पेश है पंजाब प्लस की टीम से एक रिपोर्ट। लुधियाना वासियों के लिए बहुत ही खुशी और हर्ष की बात है कि स्वामी सुधांशु जी महाराज, जिनको हम लोग टीवी से सुनते हैं, जिनको हम लोग प्रवचनों के लिए हर महीने उनकी कैसेट लगकर लोग उनका जो प्रवचन होते हैं उनको सुनते हैं, लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है कि 28 तारीख से 31 तारीख तक उन्होंने लुधियाना वासियों को ये जो मौका दिया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? महाराज श्री बहुत उत्साह है लोगों में इनके आने का, और पहले 2016 में आए थे, अब 2 साल के बाद ही आ रहे हैं, तो हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है। हमारे कार्यकर्ता भी खूब 3 महीने से लगे हुए हैं, तैयारियां चल रही हैं, आज सुबह तक तैयारी चलती रही हैं, अब जाके कंप्लीट हो गई है। अब काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर आने का उम्मीद है और खूब लोग इसकी प्रशंसा करेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। सर, जैसे साल जाने वाला है, 28 तारीख है, ये मार्च के महीने के बाद अप्रैल का महीना शुरू होने वाला होता है, तो बिजनेस मैनों के लिए एंड होता है इस महीने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे आपकी ये जो एंडिंग है वो इतनी बढ़िया हो जिसके साथ कि एक महीने के लिए ग्रीस लग जाए, एक साल के लिए ग्रीस लग जाए, कि उनके लिए एक नई एनर्जी लेवल जो बढ़ जाए? बिल्कुल ठीक है आपकी बात, मगर आजकल तो क्योंकि कंप्यूटराइज है तो कोई 31 मार्च वाला जैसे पहले मार्च फीवर होता था वो अब बात नहीं है। अब गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया काम किया है, अब तो सारा कंप्यूटराइज काम है, तो अब 31 मार्च या उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर हाँ, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर का एंड है, लोगों में उत्साह वही तरीके से रहेगा जिस तरीके से पहले शुरू से आता है, तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि महाराज श्री से भी बेनती की है कि वो हर साल, अगर हर साल नहीं आ सकते तो 2 साल में एक बार तो लुधियाना में अवश्य आएँ, क्योंकि लुधियाने वासियों को बहुत ज़्यादा उनसे उम्मीदें हैं और बहुत ज़्यादा उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। सर, एक ऐसे महाराज जो टेक्निकली हाई डिग्री में उनका जो है वर्ण है, और लोगों को माँ बाप के बारे में, भाई बहनों के बारे में, सोसाइटी के बारे में, एक ऐसे महाराज जो हमेशा हमें इस बात के लिए मोटिवेट करते हैं कि आपने समाज में कैसे रहना है, कैसे आपने रिश्तों को निभाना है, कैसे आपने माँ बाप की सेवा करनी है, कैसे एक दूसरे के साथ विचरना है, और प्योर वेज रहकर बढ़िया इंसान बनकर समाज को एक पॉजिटिव बेंट की तरह काम करना है, क्या कहना चाहेंगे? महाराज जी ऐसे यही शिक्षा देते हैं, हर इंसान को प्यार से रहना, माँ बाप का आदर करना है, सबसे मिलजुल के रहना है, अच्छे काम करने और अच्छी सीख लेनी है। ये महाराज जी का यही हमको हर बार यही उद्देश्य होता है, यही शिक्षा होती है कि इस तरह से मिलजुल के रहना, प्यार से रहना और सबने सुख शांति से रहना है और अच्छे कार्य करने के बाद। खुशबू फैली हुई है आज पूरे, हर तरफ खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि महाराज जी के जो पवित्र चरण पड़े हैं लुधियाना में, क्या कहना चाहेंगे? ये तो बड़ा हर्ष का समय है, सारे लोग इसका फायदा उठाएं, इनके जो सुवचन महाराज जी देते हैं अपने जीवन में उतारें, अपने माता पिता को घर में ही रखें, वृद्धाश्रम में ना भेजें, उनकी सेवा करें, यही सबसे बड़ा तीर्थ है, यही महाराज जी शिक्षा देते हैं। पढ़े और हम बहादुर बन पाए, जैसी ढेरों प्रेरणाएं देती हैं ये छोटी छोटी सी बातें, ये क्रियाएं, ये भजन, कि जब हम भोजन करते हैं, भोजन करने के नियम निभाते हैं, भोजन तो सब करते हैं, सभी 84 लाख योनियां, मनुष्य भी करता है, लेकिन जब भोजन के नियमों को जब हम निभाते हैं तब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है,
और जब हम प्रकृति के अनुसार चलते हैं, प्रकृति के अनुरूप, नेचर के अनुकूल, तो हमारा मन प्रसन्न होता है। और जब हम परमात्मा के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हैं, चार दशक यानी लगभग 40 साल मिशन की स्थापना को 29-28 साल के उसके क्या नियम विनियम उपनियम क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वह सब इन सत्संगों में बताई जाती हैं, ध्यान के शिविरों में और अन्य जो साधना के शिविर हैं उनके माध्यम से लोगों को प्रेरित प्रोत्साहित किया जाता है। सेवा के जो कार्य हैं उनमें और गुरुदेव के मंच की ओर देखिए, जोरदार तालियां, सबके हाथ उठे, कुछ नहीं उठे, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। और ये तालियां जाते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं किनारे किनारे पर, वो सब करते हैं और हमारे कई कष्ट दूर होते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि खूब थाली बजाए, खूब खिलखिलाकर हंसे, सकारात्मक चिंतन करें, उल्टा सीधा सोचना नहीं, जो नहीं करने लायक है वो करना नहीं, माने अचिंत चिंतन और अकरणीय कार्य हम छोड़ दें, खान पान रहन सहन आचार विचार को ठीक कर लें, हम सदैव स्वस्थ रह सकते हैं। प्रकृति के अनुरूप अनुकूल चलने के नियमों में ये बात भी शामिल होती है। आप सभी का वंदन करता हूँ। सायंकाल की ये पावन मेला मधुर संदेश लेकर आई है, अपने सतगुरु के दिव्य दर्शन करने की, उनके श्री चरणों में बैठकर ज्ञान की मंदाकिनी में डुबकी लगाने की है। तो आइए भजन को माध्यम बनाकर हम अपनी प्रार्थना अपनी वंदना चरणों में रखें। मेरे मन अंदर बस जा सतगुरु हरा वालिया, मेरे मन अंदर बस जा सतगुरु हरा वालिया, एक प्रेम वाली जोत जगा सतगुरु हरा वालिया, मेरे मन अंदर बस जा सतगुरु हरा वालिया। तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो।
एसएमएस से, व्हाट्सएप से अपने लोगों को बता सकते हैं जो लुधियाना और पंजाब के लोग हैं। क्या देता है वैसा ही हमारा भी जीवन बने, यह संकल्प लीजिए, हाथ जोड़कर बैठे। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अमीर वर्षो ज्योति ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्रायुश्च प्राणस् मुखाद अजायत। भक्तया दीपं प्रयक्षामि देवाय परमात्मने, प्रायमां व्याद्वोरा आएंगे। इस कार्यक्रम के अनुयाज के चरण में अभी भारत माता की मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं भाई श्री हरमिंदर सिंह जी पाहवा को। लुधियाना के उद्योग जगत से हैं और मिशन के कार्यों में सदैव सहयोगी रहते हैं। माननीय पाहवा जी का स्वागत है, तालियों के साथ भेजिएगा और आपका प्रणाम भी पहुंच रहा है ऐसा विश्वास माने। हम विश्व जागृति मिशन के लुधियाना मंडल की ओर से और समस्त मिशन परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं। बाद हम तो मन में गुरुवर को बसाए रखते हैं, हम तो मन में गुरुवर को बसाए रखते हैं कीजिए। और जब ये हाथ उठाने कहते थोड़े से उठते हैं और धीरे धीरे गुरु जी कहते चोट न लग जाए हाथों में, ऐसे वक्त ये चोट नहीं लगेगी। हाथ ऊपर उठाएं और लुधियाना की धरती पर गुरुदेव पुनः पधारे। लगभग 2.5-3 साल पहले यहाँ कार्यक्रम हुआ था और आज वह अवसर जब हम 4 दिनों तक यहाँ पर बैठकर अमृत ज्ञान वर्षा का आनंद ले सकेंगे जिससे यह जीवन धन्य हो जाए। और आप स्वयं तालियों के साथ प्रार्थना कीजिए गुरुदेव से कि हम पर स्नेह वर्षा करने की कृपा करें। श्रद्धेय महाराज श्री। और यह ज्ञान वर्षा बाद में होगी, यह है स्नेह वर्षा। नई पीढ़ी, छोटे छोटे बालक बच्चे, उनका गुरुदेव के पास आकर आशीष की याचना करना और स्नेह आशीष पाना। मिशन के कार्यक्रम, सेवा के कार्यक्रम, आध्यात्मिक कार्यक्रम, धर्म की गंगा के कार्यक्रम पहुंचे और लुधियाना धन्य होने जा रहा है 4 दिनों तक। पूज महाराज श्री से हार्दिक प्रार्थना कि हम सब पर ज्ञान वर्षा करने की कृपा करें। श्रद्धेय महाराज श्री। Oh.
नहीं मिल सकी। हे दया निधान कृपा निधान परमेश्वर, हम सभी आपके बालक बालिकाएं आपके दर पर आकर श्रद्धा भरा प्रणाम आपके चरणों में अर्पित करते हैं। किसी भी स्थिति में अपने आप को संतुलित रखता है, न गिरता न टूटता, आगे बढ़ता जाता है और उसको संभालने वाले आपके हाथ सदैव उसकी रक्षा करते हैं। हे प्रभु, इसलिए हमने आपका सहारा दिया है, आपके नाम का सहारा दिया है। लोक भी सुख रहे, परलोक भी सुख रहे, आपके दर पर आया कोई भी व्यक्ति खाली न जाए। भगवान सब पर आशीर्वाद दीजिए, सबको निहाल कीजिए, मालामाल कीजिए, यही विनती है, यही प्रार्थना है, स्वीकार हो। ओम शांति शांति शांति। मातृशक्ति वोषण परमेश्वर की यह असीम अनुकंपा है कि आप सभी के मध्य इस पवित्र मांगलिक चर्चा करने के लिए भगवान ने यह अवसर आपको और हमको दिया। हमारे पवित्र ग्रंथ जब हमको ये समझाते हैं योग रखो व भोग रखो, संग रखो व संग विहीन, ब्रह्मणि रमते चित्तम यस्य नंदति 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 एव। जो इस संसार में घर गृहस्थी में रहते हुए अपने भगवान के प्रति अपने मन को लगाए हुए हैं, या वह व्यक्ति जो संसार से विरक्त होकर हिमालय की किसी कंदरा में बैठा है, वहां उसका ध्यान भगवान में लगा हुआ है। जिस भी रूप में आप संसार में हैं या संसार से ऊपर उठकर जी रहे हैं, सांसारिक कार्य करते हैं या सब चीजें छोड़ बैठे हैं, तो जिस व्यक्ति का जिस जगह भी जिस स्थिति में भगवान के प्रति चित्त लगा हुआ है, मन लगा हुआ है, जिसके हृदय में परमात्मा बसे हुए हैं, तो कहा गया है कि बस आनंदित वही है, क्योंकि उसने अपने जन्मों के दुखों को दूर करने का मार्ग बना लिया। इसलिए जो भगवान की तरफ चल पड़े हैं, जब आप बहुत मुश्किल में थे, रास्ता नहीं सोच रहा,
और आपकी रक्षा हुई, उन्हें याद करके भगवान को धन्यवाद। और धन्यवाद दो उस बात के लिए कि आपने मांगा इतना था और दिया इतना, और फिर आपने अपनी डिमांड बढ़ा दी, फिर दिया, फिर आपने डिमांड बढ़ा दी, फिर दिया, वो देता रहा देता रहा, लेकिन हम सच्चे दिल से कभी धन्यवाद करने भी नहीं आए। गलतियों के लिए क्षमा मांगकर धन्यवाद करना और फिर नाम जपने के लिए बैठना, नाम जपते हुए उस समय आप महसूस करना कि मैं अपने प्रभु के करीब हो रहा हूँ। ऐसी स्थिति में जपी हुई माला आपकी जिंदगी में चमत्कार करती है, बहुत ऊपर लेकर। क्योंकि वहां ये मतलब नहीं होता कि आप थोड़ी देर के लिए जाएं, जल्दी जल्दी कोई शब्द बोलें और निकल आए। भक्ति का तो नियम यही है कि आप इतने पिघल जाएं, मोम बन जाएं आप, और मोम जैसे अग्नि में पिघल जाता है, बहने लग जाता है, ऐसे आपका रोवा रोवा पिघलने लग जाए भगवान के। और अपने अंदर की बात भी भगवान के आगे प्रार्थना के रूप में बोल के देखो, सच में कमाल होगा। और एक बात आपसे और कहना चाहते हैं, प्रार्थना करने की इच्छा होती है ना, जब हम कुछ मांगते हैं उसका नंबर सबसे आखिर में आता है, नाम जपना, उसकी याद में डूबना, उसका गुणगान गाना, उससे नजदीकी महसूस करना, उससे मिलती हुई शांति और आनंद में डूबकर अंदर अंदर शांत और आनंदित होकर बैठना, ऐसे जैसे आप खो गए हों, आपको कुछ भी पता नहीं, कोई जहां हो अपनी थोड़ी देर के लिए खुद को बुला दी, उसके बाद मांगना। मतलब जो भी आप प्रार्थना करना चाहते हैं, याचना करना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं, हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ भी करने की हालत में नहीं होते और आप संकट में हैं या आप किसी मुश्किल में हैं और सीधे जाके आप कहते हैं, भगवान मेरे पास चढ़ाने के लिए फूल नहीं है, कोई मंत्र बोलने की शक्ति भी नहीं, आज तो अपना दर्द लेकर आया हूं और तुझसे ही सहायता की मांग कर रहा हूं, और मुझे पक्का भरोसा है कि रास्ता निकलेगा, तेरी कृपा से निकलेगा, इसलिए तुझसे रास्ता मांगने आया, मदद मांगने आया। उस स्थिति में प्रार्थना स्वीकार होगी आपकी, और वो स्वीकार कैसे होती है, किसी न किसी रूप में कोई ना कोई आपकी जिंदगी में आपको सहारा है, आपको साथ देगा, कहीं से भी रास्ता निकल आएगा। एक बहुत प्यारे लेखक हुए अमेरिकन, उन्होंने घटना का वर्णन किया, न्यूयॉर्क में वो लेखक रहता था, और न्यूयॉर्क का जो मैनहट्टन है उसका एक सेंट्रल पार्क है, उसके बीच में से भी सड़क जाती है, पुल सा बना हुआ है, बड़ा पार्क है, लोग दूर दूर से वहां जाके बैठ जाते हैं। तो एक युवक वहां अपनी जिंदगी से निराश होकर आत्महत्या करने के लिए चला गया उस पुल से, क्योंकि नीचे सड़क जा रही है, ट्रैफिक चलता खूब, उस पुल पर खड़ा होकर के वो युवक जो है उसने युद्ध नहीं किया। साल के बाद उसी तारीख में वहीं गया और वहां जाकर लोगों से पूछता है कि रॉकफेलर से मिलना है, यहां आते हैं वो, लोगों ने सुना अनसुना कर दिया, लेकिन जैसे उस पुल की तरफ गया तो पेड़ के पीछे से रॉकफेलर निकल के आ गया। इसने कहा कि पहचाना, बोले हाँ पहचाना, चेक लाए हो क्या, बोले हाँ चेक वापस लाया,
तुम्हारा काम बन गया? बोले हाँ मेरा काम बन गया, मैं थैंक्स करने के लिए आया। और उसने घुटनों के बल बैठकर उस युवक ने कहा कि तुम मिले हो ना, मेरी जिंदगी बदल गई। मैं यहां से जाने के बाद भगवान को बहुत धन्यवाद दिया कि मेरी जिंदगी में रॉक फेलर आया, और रॉक फेलर ने मुझे कहा कि रॉक फेलर बनना, और रॉक फेलर ने मुझे रास्ता दिखाया। एक बार मांग लिया जिंदगी भर मांगता रहेगा, मांगने की आदत मत डाल, अपनी हिम्मत से कर। कि मैंने वो प्रार्थनाएं की और प्रार्थना का बल भी मुझे मिला, मुझे रास्ते मिलते चले गए, आज करोड़ों मेरे पास आ गए। अब थैंक्स करने के लिए आया, इतनी देर में 5-7 लोग आ गए और बड़े जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा कि तुम इन्हीं रॉकफेलर को ढूंढ रहे थे? बोले हाँ इन्हीं को ढूंढ रहा था। बोले ये पागल आदमी है, ऐसे चेक हर एक आदमी को देता घूमता है। ये अपने आप चेक बांटता रहता है हरेक को, और पुल की तरफ कोई आ जाए तो यही पेड़ के पास खड़ा होके किसी को उदास देख ले तो चेक देता है। ये पागल आदमी है। तो युवक ने कहा कि ये पागल ने तो न जाने कितनों की जिंदगी दे दी होगी, लेकिन मुझे असली पागल तो वो दिखाई देते हैं जिनके पास परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है, लेकिन उसके बाद भी न किसी पर तरस आता, न अपनी जिंदगी पर तरस आता, और न कभी परमात्मा के पाए हुए के प्रति कभी धन्यवाद करता। निवेदन करना चाहता हूँ आपसे, आपकी प्रार्थना चमत्कार करती जरूर है, लेकिन रोज मंगते वाली आदत में डालना। जब सिर कभी नहीं झुकते ना मांगने के लिए, जो रोज थैंक्स करने को आता हो, आंसू प्रकट करने नहीं, उसके आंसू में बहुत शक्ति होती है। ऐसा आदमी अगर रोए तो लगता है जैसे पहाड़ की चट्टान टूटी और झरना बहा। जब वो कहता है कि आज तक मैंने आंसू नहीं बहाए, विवश हो गया हूं, किसको कहूं? वो जो प्रार्थना होती है वो प्रार्थना प्रार्थना होती है, लेकिन उसकी जरूरत न पड़ेगी। प्रार्थना के तरीके क्या हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपसे कहना चाहता हूं कि पहले तो आसन पर बैठना सीखो।